हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उन पे बेस्ड आर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको हम करते हैं। तो मैंने क्वेश्चंस पहले ही लिखवा दिए। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन वन, फाइंड वेक्टर ए बी वेदर ए, ये कोऑर्डिनेट दे दिए एंड बी दिस। आपको कोऑर्डिनेट दे दिए ए 2, 3, -1 एंड बी 3, 4, 2, तो वेक्टर ए बी बताओ। अब देखो, इसको थोड़ा सा ट्रायंगुलर यूज होता है। वेक्टर ए बी जो सॉल्यूशन बन कर रहा हूँ मैं, ए बी वेक्टर ऐसे होगा ओ बी माइनस ओ ए, इसको बोलते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, पोजिशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। अभी ये कैसे आया पहले यही बताता हूँ आपको, ये निकल के कैसे आया। देखो, सपोज करते, पहले इसको बता रहा हूँ डेरिवेशन, ये क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ। ये कैसे आया है, ट्रायंगलों से निकल के आता है। जैसे सपोज ए आपका ये वेक्टर है, अब 3D में 3 डायमेंशन ले रखें, कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड, ये आपके एक्सेस हो गए। ए के कोऑर्डिनेट 2, 3, -1, ये आपका ओ ए हो गया, और इधर कहीं बी बी ले लिया। अभी कोऑर्डिनेट में अभी नहीं रख रहा हूँ मैं, तो इसको बता रहा हूँ, बी ए कोऑर्डिनेट ले लिया, ये तो आपका हो गया ए और ये हो गया बी, ये और इसको ज्वाइन कर दिया, ये हो गया ए बी, ये इसका नाम लिखता हूँ ओ, ओ ए बी, ठीक है। अब इन ट्राइंगल, ये ओ ए वेक्टर ऐसे, ओ बी वेक्टर ऐसे, ए बी ऐसे, इन ट्राइंगल ओ ए बी वेक्टर एडिशन लगा दो, ट्रायंगलों का ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, आपकी चॉइस है, किसी के डायरेक्टली लिख सकते हो। मैं ओ बी इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, ओ बी इक्वल्स टू, तो आपको पता है ना ओ बी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ओ बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी, यही तो होगा, ओ बी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ए बी। आपका टारगेट क्या है, ए बी निकालना, तो ए बी को तो इधर लिखो, ओ ए को उधर ले आओ। तो देखो, ओ बी माइनस ओ ए इक्वल्स टू ए बी, ये ए बी आ गया, ओ बी माइनस ओ ए इक्वल्स टू ए बी। अब ये जैसे जब भी आपको इसका ये ए बी सीधा कर दिया, ए बी इक्वल्स टू ओ बी माइनस ओ ए, अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो इसको बोलते हैं ओ ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ओ बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, तो पोजिशन वेक्टर बी का पहले आएगा ओ बी माइनस ओ ए। इसको आगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पढ़ेंगे, ए बी ऐसे भी अगर मूवमेंट हो रहा है तो ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ सिर्फ वेक्टर बोल रहा है, ए बी फाइंड आउट करो। अब जैसे सपोज ए के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और जेड है, तो ओ ए कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाएगा, ओ ए कोऑर्डिनेट यहाँ से लिख रहा हूँ, ओ ए कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाएगा, अगर ये कोऑर्डिनेट है एक्स हो गया एक्स एक्सिस कह लूँ, वाई हो गया वाई कह लूँ, जेड हो गया जेड एक्सिस कह लूँ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सिमिलर ओ बी। अब ओ बी के कोऑर्डिनेट सपोज मैंने ले लिया एक्स डैश वाई डैश कॉमा जेड डैश, तो ओ बी डैश क्या हो जाएगा, एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे प्लस जेड डैश के, ये पोजीशन जब कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो वेक्टर ओ ए ऐसे निकल के आ जाता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओ बी एक्स आई एक्स डैश आई प्लस वाई डैश आई प्लस जेड डैश की, अगर इसकी कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे ए के कोऑर्डिनेट सपोज 2, 3, 5 हैं, तो ओ ए वेक्टर को क्या लिखोगे आप, यस बताइए, 2i + 3j + 5k, अगर ये माइनस होता तो या माइनस होता, बस ये नॉलेज आपको यूज करनी है इसमें फाइंड वेक्टर ए बी में। जब भी ए बी वेक्टर निकालोगे तो ये बेसिकली फॉर्मूले की तरह हो गया है, पोजिशन ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजिशन ऑफ ए वेक्टर। तो पहले देखो, ओ ए वेक्टर लिख देता हूँ यहाँ से, ओ ए कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3, -1, तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर 2i + 3j - ये माइनस इसलिए 1 लिखेंगे नहीं माइनस के, और ओ बी वेक्टर ये रहा 3i + 4j + 2k, वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए बी,
तो ए बी वेक्टर का हमने फॉर्मूला बना लिया, ये याद भी रखना, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी ये वैल्यू लिख रहा हूँ, 3i प्लस 4j प्लस 2k, ये यूनिट वेक्टर है ij के, माइनस माइनस ओ बी लिख दिया, ओ ए वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j माइनस के। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, डायरेक्ट लिख दो, ये माइनस हो जाएगा 3i माइनस 2i, एक बार ब्रैकेट खोल देना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो कोई खोलोगे ना, 3i माइनस 2i कितना बचेगा i, और प्लस 4j ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3j कितना बचेगा 4j माइनस 3j j, 1 लिखते नहीं है, 2k ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2k प्लस k 3k, दिस इज द ए बी वैक्टर। ये ए बी वैक्टर यानी पहला क्वेश्चन निकल के आ गया, ए बी वैक्टर ये आपको फॉर्मूले की तरह याद रखना, अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताएंगे तब भी ये निकल के आएगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, अभी ट्रायंगल लॉ से निकला, ऐसे ये फॉर्मूले की तरह याद रख लेना, तो ये ए बी वेक्टर निकल के आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है सेकेंड, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। ये कह रहे हैं यूनिट वेक्टर ऐसा बताओ जो इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल हो, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, तो ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर को मैं लिख रहा हूं आर, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा ए प्लस बी, आप लिख देना रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी, ए वेक्टर लिख रहा हूं आई प्लस 4j माइनस 2k, आई प्लस 4j माइनस 2k ए वेक्टर लिख दिया, प्लस बी वेक्टर प्लस ही था, ब्रैकेट हटा देते हैं, ऐसी कर देता हूँ, ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस बी वेक्टर आपका एरा 3i माइनस 5j प्लस k, इसको ऐड करो, i प्लस 3i कितना हो गया 4i प्लस 4j माइनस 5j कितना बचेगा माइनस j, ये बड़ा है माइनस का, माइनस j बच गया, माइनस 2k प्लस k माइनस k, ये वेक्टर रिजल्टेंट आ गया a और b का। अब ये बोल रहे हैं फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट, यानी आपको इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका मतलब आपको फाइंड क्या करना है r कैप, आर कैप आर के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का आपने फॉर्मूला पढ़ा दिया है, याद रखना आर कैप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर का यूनिट वेक्टर आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है ये फॉर्मूला होगा। तो पहले ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये निकालना है, तो देखो पहले हम क्या निकालेंगे, आर का मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं, मैग्नीट्यूड इससे पहले वाली क्लास में हो गया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 1 कोफिशियंट, जे का कोफिशियंट फिर के का कोफिशियंट, इसको सोल्व कर लो, ये तो 1 और 1 16 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया रूट 18, रूट 18 को 9 इंटू 2 ले सकते हो, 9 इंटू 2, 9 का 3 बार 2 अंदर 3 रूट 2, ये तो मैथ सबको आती है। अब हमें निकाल रहे आर कैप या रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, लिख देना रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो आर वेक्टर क्या है ये रहा 4i माइनस जे माइनस के अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है 3√2, ये आपका रिजल्ट आ गया, ये सेकंड का आंसर आ गया, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट, दिस इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ए एंड बी, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अब मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, अब देखिए थर्ड, इफ ए 3i प्लस 4j एंड बी 7i प्लस 24j, ये वेक्टर हैं, इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी 7i प्लस 24j,
फाइंड ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी. ये कह रहा है बी वेक्टर के इक्वल तो उसका मैग्नीट्यूड है एंड पैरेलल टू ए. ऐसा वेक्टर बताओ, ए और बी दो वेक्टर दे दिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड वी के इक्वल है और ए के पैरेलल है. इसका मीनिंग आपको सबसे पहले ये सोचना है क्या निकालना क्या है. तो रिक्वायर्ड वेक्टर आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर ये कह रहा है ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड वी के इक्वल और ए के पैरेलल हो. तो बी का मैग्नीट्यूड ये लिख दिया आपने और ए के पैरेलल का मतलब ए कैप. ये वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड वी के इक्वल हो जाएगा और डायरेक्शन ए किया जाएगी. ए कैप जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिटी, तो डायरेक्शन पैरेलल टू ए हो जाएगा. यानी वी हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ बी ए कैप. अब पहले बी का मॉडुलस निकाल लेते हैं. बी वेक्टर आपका ये रहा, तो देखो निकाल रहा हूं अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट 3² प्लस जे का कोएफिशिएंट -5² प्लस के का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है 1² सॉल्व कर लो. 9 प्लस 25 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 1, तो कितना हो गया सॉल्व करोगे जाओ 35 प्लस 9 34 प्लस 1 35. ये बी आ गया. अब हमें ए कैप निकालना है. ए कैप निकालने के लिए हमें ए का मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा. ए कहाँ है ये रहा, एक मिनट ये देखो, ये हमने इसके सेकंड की लिख दिया है बी वेक्टर, थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे, इसको एक बार मिटाई देते हैं. ठीक है, थर्ड तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड हमने कर लिए जिससे कंफ्यूजन नहीं हो. अब बी जो लिखा है ना इसका लिखना था हमें, थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे. तो बी का मैग्नीट्यूड क्या है 7i प्लस 24j, के इसमें है नहीं, तो इसका मैग्नीट्यूड ये निकल के आएगा 7² प्लस 24². अब 7² कितना होता है, 7 7 49 प्लस 24² 24 × 4 कर दो. जैसे 24 × 24 करोगे 24 × 4 = 96 कैरी 9 24 × 2 = 48 प्लस 9 576. अब इसको प्लस करो 9 प्लस 6 15 7 प्लस 4 11 और कैरी का कितना हो जाए 1 तो ये 2 11 12 और फिर 5 प्लस 8 6. अब 6 टू 5 का रूट कितना होता है 25. तो बी का मैग्नीट्यूड ही आ गया, बी का मैग्नीट्यूड निकल गया. अब ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर आपका ही रहा 3i प्लस 4j मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो अंडर रूट 3² प्लस 4² तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 दैट इज 25. अब 25 का कितना हो गया 5, ए का मैग्नीट्यूड आ गया. अब हमें क्या फाइंड करना है ए कैप. ए कैप क्या होता है वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए. ए वेक्टर 3i प्लस 4j अपॉन मैग्नीट्यूड 5. अब लिखोगे आपको रिक्वायर्ड वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो बी के इक्वल है और ए के पैरेलल है, तो आप लिख देना रिक्वायर्ड वेक्टर. रिक्वायर्ड वेक्टर किसके, बी का मैग्नीट्यूड और ए के. बी का मैग्नीट्यूड कितना था 25, ए कैप कितना है एरा 3i प्लस 4j अपॉन 5. अरे 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहां लिख रहा हूं रिक्वायर्ड वेक्टर. फाइनल आंसर क्या बचेगा आपका, 5 से 5 कट गया, ये आंसर हो गया 5 × 3i प्लस 4j. मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा 5 × 3 = 15i प्लस 24j. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बी का मैग्नीट्यूड जो निकला था 25 वही आएगा. ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए के डायरेक्शन में होगा. इसका ए का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम होगा, ए के पैरेलल वेक्टर है. तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया. अब इसको भी रब कर देता हूं. अब देखो फोर्थ को मैं यहीं कर देता हूं. वन ऑफ द
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी दे रखी है आपको 13 मीटर पर सेकेंड, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक्स और वाई। तो इसकी वजह से बी को हम वेलोसिटी लिखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, ऐसे लिखेंगे वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, यानी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट उसने क्या दे रखा है 5, आपको नहीं बताया ये एक्स कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है। हमने सपोज कर लिया ये एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का बी एक्स, वो कितना है 5 ये बोला है इसने, तो ये क्या बोल रहा है बी वाई बताओ। अब कोई भी वेलोसिटी है तो दो ही कंपोनेंट बोले, जैसे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दो ही है, दो परपेंडिकुलर लाइन क्या, दो परपेंडिकुलर लाइन तो उनके अलोंग जो कंपोनेंट आते हैं, तो ये वी एक्स वी वाई। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ना जो वेक्टर का आप निकालते हो क्या आएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया वेलोसिटी का, वेलोसिटी वेक्टर का। अब बी का मैग्नीट्यूड देखो इधर का 13, इसी में लगा दो, ये इसका फॉर्मूला हो गया बी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी है 13, तो ये लिखा 13 इक्वल्स टू बी एक्स कितना है 5 स्क्वायर प्लस वी वाई आपको फाइंड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो रूट हट जाएगा, तो 13 का स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट ही 169, ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 रूट हट गया प्लस वी वाई स्क्वायर, तो ये 25 इधर जाके माइनस हो गया 169 माइनस 25 इक्वल्स टू वी वाई स्क्वायर, कितना बचा 9 में 5 गए 4, 6 में 2 गया फिर 4 ये 1। अब इसका स्क्वायर रूट करोगे कितना आ जाएगा वी वाई, वी वाई यहाँ सीधा करके लिख देता हूँ, वी वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 144, तो कितना आ गया 12, वेलोसिटी वेक्टर है तो वी वाई आपका निकल गया 12 मीटर पर सेकेंड, वही यूनिट है ठीक है। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया अदर कंपोनेंट, वी वाई कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट देखिए इसको हटा रहा हूं, नेक्स्ट है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर दिस, ये यूनिट वेक्टर है तो लैम्डा की वैल्यू बताइए। तो ये बोल क्या रहे हैं 0.4i प्लस 0.8j प्लस लैम्डा के इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब जानते हो क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो मैग्नीट्यूड निकालो इसका 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 इसका कंपोनेंट 0.8 का स्क्वायर प्लस के का क्या कंपोनेंट लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। ये यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होता है, तो ये निकल गया। अब इसको सॉल्व करो 0.4 का स्क्वायर कितना होगा 0.16, 4 4 16, 8 का कितना होगा 0.64, 8 8 64 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इन दोनों को प्लस कर लो 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 1 7, ये कैरी का 8, तो 0.8 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो रूट हट जाएगा 0.8 लिख देता हूँ इसका, चलो लिख देता हूँ प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं है, तो लैम्डा स्क्वायर क्या आ गया 1 माइनस 0.8। अब 1 में 0.8 माइनस करो कितना बचा, ऐसे माइनस होगा 1.0, 0.8 कितना बचेगा माइनस करना आपको आता है 0.2, तो लैम्डा कितना आ गया रूट 0.2, ये लैम्डा की वैल्यू निकल गई। बोला अगर ये यूनिट वेक्टर है तो लैम्डा की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन ये था। तो यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 कर दीजिए और लैम्डा निकल के आ जाएगा। ये छोटे छोटे इस पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, इस इजी है। देखो फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, एक बार आप जो भी एग्जाम्पल वगैरह पढ़ते हैं बस एक बार उसको चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, इसके बाद जो आपके आएगा। अब हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे, स्केलर में स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट है,
और उस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद फिर इस चैप्टर में मोशन एंड प्लेन के बारे में पढ़ा जाएगा। ये थोड़ा अलग है, वेक्टर अलजेब्रा की तरह है। उसको पढ़ने के बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट पढ़ने के बाद फिर मोशन एंड प्लेन जो मेन चैप्टर का नाम है उस पर आएंगे।